नमस्कार दोस्तों, SBI का ऑनलाइन इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपन करने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। उनका जो स्टेप 3 है वो नेक्स्ट ही नहीं हो रहा है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको इस बात पे आ रही है कि जो आधार कार्ड वो लोग फिल करते हैं उसके बाद से रेसिडेंट ऑथेंटिकेट फेल हो रहा है। एक जन को नहीं, बहुत से लोगों को हो रही है प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से ये बग है और SBI को इसको सॉल्व करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। हालांकि जब मैंने अकाउंट ओपन किया था तो मुझे दोनों प्रॉब्लम आई थी, मैंने भी फेस किया था। हालांकि मेरा जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गया है, फिक्स हो गया है। और अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको भी इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ट्राई अगेन कर लेना है, और आपका प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर कन्फर्म नहीं है, हो सकता है कि फिक्स हो जाए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ जो स्टेप 3 है, कुछ लोगों का नेक्स्ट नहीं हो रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले दोस्तों, आप यहां पर स्टेप में देख सकते हो, सबसे पहले तो आपको ऊपर अपना जो बर्थ सिटी का नेम है वो फिल करना है। इसके बाद से अपने फादर का टाइटल चूज़ करना है, मिस्टर। उसके बाद से फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। इसके बाद से नीचे आना है, अपनी मदर का टाइटल चूज़ करना है, और इसके बाद से मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। चाहे आपका मदर का किसी भी डॉक्यूमेंट लास्ट नेम था या फिर नहीं था, लेकिन इस योनो एप्लीकेशन में आपको तीनों तो पूरा फिल करना पड़ेगा। इसके बाद से सपोज नेम में आपको अपने फादर का पूरा नेम फिल कर देना है। इसके बाद से नीचे टिक करना है डिक्लेयर में, और नेक्स्ट का जो ऑप्शन है, बटन है, वो हाईलाइटेड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये जो सारी प्रोसेस है वो फटाफट से क्लियर कर लेना है। और इस प्रकार से ये दो प्रॉब्लम थी, मुझे भी आई थी, तो मेरा तो यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो ये तो स्टेप जो 3 है वो बहुत ही आसान है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, आधार नंबर डालने के बाद जो रेसिडेंट ऑथेंटिकेट फेल हो रहा है, वो किसी का सॉल्व भी नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा योनो एप्लीकेशन में ये बग है, SBI को इसको फिक्स करना चाहिए, और फिक्स करने के बाद इसको दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहिए या फिर रीलॉन्च करना चाहिए इस एप्लीकेशन को। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा रेसिडेंट ऑथेंटिकेट फेल हो रहा है, हमने 10 बार ट्राई कर लिया, ट्राई अगेन कर लिया, 20 बार ट्राई अगेन कर लिया, ये क्लियर ही नहीं हो रहा है।